तीन कफ लगाएंगे, जिसके लिए मैं इस तरीके से हस्ती में खो लेना है। सीधा हिस्सा ये है, ठीक है, और ये मैंने कफ के तरीके पट्टी काट कर रखी हुई है। और इस तरीके से उल्टा हिस्सा रखेंगे हम, ठीक है। ये हिस्सा सीधा है और ये हिस्सा भी सीधा है, और इसको हम आधा इंच की सिलाई से इसमें फंसा लेंगे। इस तरह के आस्तीन बनाते हुए कपड़े का सीधा उल्टा रखकर जरूर एक बार देख लें कि पलटने के बाद किस तरफ आएगा। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह पलटूंगा तो ये देखिए सीधा हिस्सा आ गया। इसको भी आधा इंच का दबाव अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई के ऊपर सिलाई रखकर कर देनी है। हो गई है, अस्तीन को किनारे करते हैं। अब सीधा बारी आती है सामने की, ठीक है। तो देखिए सामना हमारा कुछ इस तरीके से कटा हुआ है, और यहाँ से हमारा सामना खुल जाएगा। तो हम यहाँ पर एक कट लगा लेते हैं। इस तरीके से दो पट्टी हमने ले रखी है सीधी, ठीक है। अभी क्या करना है कि जिस तरफ निशान ये, इस तरफ पल्ले पर हमें पट्टी को लगाना है। तो सीधा हिस्सा रखेंगे अंदर, ताकि जब हम इस तरीके से उसको पलटेंगे तो सीधी तरफ आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रख करके हमें सिलाई सीधी कर लेनी है। देखिए इस तरीके से हमारी सिलाई हो जाएगी, और इस तरीके से हम यहाँ पर क्रॉस को बना लेंगे। उससे पहले हमें कगर की बखिया लगा लेनी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे, ठीक है। अब जितनी पट्टी आपको दिखानी है पतली चौड़ी, उतना आप यहाँ पर रख सकते हैं। और थोड़ा इसको अगर आप अच्छा डिज़ाइन देना चाहते हैं तो देखिए मार्केट में बहुत तरह तरह की लेस आती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा देखिए इस तरीके से लेस चल्ली घोटाली। तो आप क्या करें, यहाँ पर इस तरीके से इसको सेट कर लें ऐसे, ठीक है। इस तरीके से सेट करके आप इसका लुक रेडीमेड तरीके से थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप अभी हमें एक इंच की पट्टी बस मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। वन साइड की पट्टी हमारी तैयार हो गई है, और कुछ इस तरीके से दोनों सामने आपस में जुड़ेंगे और एक पट्टी सीधी यहाँ आते हुए इस तरीके से लग जाएगी क्रॉस। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से कपड़े को रख लेना है दोनों सामने को, ठीक है। याद रखिए जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये हिस्सा उल्टा है और ये हिस्सा सीधा है, इन दोनों को हमें रख लेना है। सिलने के बाद दोनों से सीधे आएंगे। तो मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से उल्टी पट्टी लेनी है, ठीक है। सीधा हिस्सा नीचे रखना है, ये सीधा हिस्सा है, ये मैं नीचे रख रहा हूँ। और यहाँ पर तीनों पल्लों को आपस में आधा इंच की सिलाई से अटैच कर लेता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर कट लगा है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से करना है कि यहीं से गला खुलेगा तो हमारी सिलाई जो है यहीं तक आए, यहाँ से इसके ऊपर ना चढ़े,
बस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर मैं उंगली रख लेता हूँ, आधा इंच की सिलाई ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ के बाद से इस पल्ले को हल्का सा क्रॉस कर लेंगे ताकि ये पल्ला ना फंसे, यहीं से हमारा गला फूलेगा। पूरी सिलाई ऊपर तक अटैच करना है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। हाथों की सहायता से इस तरीके से आप पट्टी को सीधा कर लें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके की आपकी पट्टी सामने बनकर आएगी, ठीक है। अभी क्या कर लेना है कि हमें वन साइड कागज बखिया लगा लेनी है। ये जीन्स पर पहनने लिए बहुत ही अच्छी कुर्ती है, आप भी अपने घर पर आसानी से बना सकती हैं। हो गया, अभी जितना ये पतला है उतनी पतली पट्टी हमें इस तरफ मोड़नी है। तो चाहे तो आप इंची टेप से इस तरीके से नाप लें, एक इंच की है, हम लोग एक इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेते हैं ताकि हमारी पट्टी चौड़ी पतली ना हो जाए। बस सिंपल तरीके से इस पट्टी को हमें मोड़ देना है। सामने का फ्रंट बनकर तैयार दोस्तों, आधा इंच ऊपर दब जाएगा और ये हमारा 8.5 पर गला को गला बनकर रेडी आएगा, ठीक है। तो देखिए सामना हमारा रेडी है, अब इसमें हमें अटैच करना है कपड़े को। पूरा डबल अरस का कपड़ा था इसलिए मैंने 4 से 5 इंच की पट्टी में इसमें काट के हटा दी है। और अब एक 20 सेंटर ले लेते हैं इस तरीके से। अभी क्या करना है, हमें इस पल्ले को सीधा रखना है और इस पल्ले को सीधा हिस्सा अंदर, और ये 20 सेंटर है तो यहाँ पर 20 सेंटर रख करके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुट का कमर का है तो हम गेजेट यहाँ शुरू करेंगे। तो अभी कमर तक कुटके तक हमें सीधी सिलाई लेकर आनी है इस तरीके से। अब इस कपड़े को जो नम है ये, इस कपड़े में हमें एडजस्ट कर, पूरी एडजस्ट कर देना है इसी में, इस तरीके से हाथों से गेजेट हल्के की डालते हुए, ठीक है। इस तरीके से आप भी गेजेट डालना सीख जाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं, 1, 2, 3 करके बटन यहाँ तक लगा सकते हैं। अब हमें बैग उठानी है, देखिए इस तरीके से बैग में निशान लगा है। अगर आप चाहें तो चाक की सहायता से बैग का निशान लगा सकते हैं या फिर आप अंदाजे से, ठीक है, 1.5 इंच का मैंने दबाव ले रखा था तो आप अंदाजे से नीचे तक ले लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से बैग को खोल लेना है और जो भी हमने सामना बनाया था, बैग सीधी है, सामना सीधा हिस्सा अंदर रखेंगे। इस तरीके से रखकर कंधी को जड़ लेना है 1/2 इंच के मार्जिन से, ऊपर भी 1/2 इंच के मार्जिन से हमें कंधी रखकर जड़ लेना है। ना काम हो गया, ठीक है। अभी आस्तीन को भी हम लोग सिलाई कर लेते हैं। ये आस्तीन हमारी है और हमने हल्का सा आस्तीन में सामने बैग का फर्क रखा हुआ है तो ये हिस्सा हमारा सामने में आएगा। आस्तीन लगाने से पहले आप लोग क्या करें, इस तरीके से एक बार नाप लें कि आस्तीन हमारी परफेक्ट बैठ रही है। देखिए ये कुटका आस्तीन का यहाँ से है तो हम एकदम किनारे से इसको रखेंगे और हल्के हाथों से इस तरीके से हम लोग नाप लेंगे एक बार। कैसे नाप लिया तो अभी हमारी इतनी आस्तीन बढ़ रही है तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर कुटका लगा लेंगे इस तरीके से, इतनी बढ़ रही है
ठीक, इतनी आस्तीन हमारी बढ़ रही है आधे में, तो यही कुटका हम इस तरफ भी उठा लेंगे जी, तो हमारी दोनों साइड से इतनी इतनी आस्तीन निकलेगी। तो अभी क्या करेंगे, आस्तीन में हल्का सा नम लेकर चलेंगे, तो जो ये हमने कुटका लगाया है इस कुटके से हम लोग आधा इंच इस साइड बढ़ा लेंगे, ठीक, इतना दोनों साइड आधा इंच निकालेंगे, आस्तीन आ जाएगी परफेक्ट तरीके से, क्योंकि जहाँ जहाँ गुलाई होती हैं कटिंग में वहाँ मैं हल्का सा नम देना होता है, हल्का सा, तो यहाँ पर गुलाई है तो यहाँ पर आस्तीन में हल्का सा नम देंगे तो अच्छी आस्तीन बैठेगी। इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए देख पा रहे हो दोनों साइड मेरी इतनी आस्तीन निकली है, ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी आस्तीन को भी बना लेना है, आस्तीन सीधी ऊपर रहेगी और इस तरीके से सीधा हिस्सा अंदर, दोनों सीधे हिस्से अंदर रहेंगे, जहाँ जोड़ है ये सब सब इंटरलॉक करना है, तो अभी इंटरलॉक करके आपको हम दिखाते हैं। अभी मैंने सारी जगहों पर इंटरलॉक कर लिया, देखिए आस्तीन में, मुड्ढे पर, और जो मैंने सामने में यहाँ पर जोड़ लगाया था यहाँ पर भी, ठीक है। अब इस जोड़ पर एक कवर की सिलाई लगा लेनी है सबसे पहले, ताकि जोड़ हमारा पलटे ना, ठीक है, इस तरीके से जोड़ हो गया। अभी आर्मोल्स का जोड़ पकड़ लेना है, ठीक है, इस तरीके से बराबर रखकर आर्मोल्स का जोड़ पकड़ लेना है और नीचे तक देख लेना है, इस तरीके से पूरा डेढ़ इंच का मार्जिन ऑलराउंड छोड़ा हुआ है, तो डेढ़ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आप पूरा बखिया ऊपर तक कर लेनी है। इससे क्या होता है, मार्जिन छोड़ने से कभी अगर आपको लूज टाइट करना हुआ तो आसानी से आप लूज टाइट कर सकते हैं, इस तरीके से रखना है, यहाँ पर टाकी लगा लेनी है, इसकी मोहरी 6 इंच है तो हम लोग 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और सिलाई को सीधा इस 6 इंच के निशान पर मिलाएंगे। इस साइड भी हमें मार्जन को बराबर पकड़ लेना है, या आप चाहे तो यहाँ पर पिन लगा सकते हैं ताकि आपका मार्जन खिसके ना। छेंच को नाप लेना है, ठीक है, और इस साइड में 1.5 इंच पर लगभग सामने में जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा निकल रहा है इसको काट करके सीधा कर लेना है। जो गैजेट वाला पल्ला था वो मैंने 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ रखा था, तो उसको अब इस बैक पल्ले से बराबर मिला लेना है। अब जितना मार्जिन मैंने छोड़ा था उस मार्जिन को दामन में मोड़ देना है, इस तरीके से,
सिर्फ इसमें अब कॉलर का काम बचा है, तो इस तरीके से सेंटर कर लेना है एक बार और बीच सेंटर निशान लगा लेना है। ठीक है, किसी भी कुर्ती का कॉलर अगर उसमें अटैच है तो उसका गला काटने के लिए हमें पेपर फॉर्म बखर लेना है और बीच से डबल कर देना है। ठीक है, अब जितना लंबा हमारा कॉलर हो उसको इस तरीके से रख लेना है। ठीक है, 18-17 जितना भी आपका हो, तो इसमें हम 16.5 लगाएंगे तो 8.25 इंच रखेंगे और इस तरीके से हम क्या करेंगे, राउंड कर लेंगे यहाँ से लगभग 4 इंच के पास से, इतना हम राउंड कर लेंगे क्योंकि कुर्ती गला हमारा राउंड होता है, इसलिए हमने इसको राउंड कर लिया है। ठीक है, राउंड करने के बाद हमें कैंची से इसको शेप दे देना है। इस तरीके से अब ठीक है, अब हमें जितना चौड़ा रखना है कॉलर उतने पे मार्क करना है। हम इसमें रखेंगे 1 इंच 1 सूत। उससे पहले क्या करेंगे, एक बार हल्का सा हम और थोड़ा सा शेप ले लेंगे यहाँ से, इस तरीके से। अगर आप कुर्ती कॉलर काटेंगे तो आपका कॉलर एकदम गोल बैठेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग लेते हैं 1 इंच 1 सूत। और इसको भी धीरे से काट लेना है। ये हमारी कुर्ती कॉलर कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। ठीक है, इस तरीके से कॉलर रख लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका नीचे 1/2 इंच का मार्जिन रखते, बाकी सब मार्जिन काट देंगे। एक चाप का ही मार्जिन रखिए, 1/2 इंच बहुत हो जाएगा, 1 इंच का तुम्हारा कॉलर ही है। ये हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है, इसी से हम कॉलर का अस्तर निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से रखना है हमें। एक चाप से भी कम मार्जिन रखते हुए नीचे का दबाव काट लेना है। एक सेंटर निशान लगा लेना है बीच का। ठीक है, जहां पर गोलाई है वहां पर इस तरीके से कट मार देना है और इस कॉलर को पलटी कर लेना है इस तरीके से। चाहे तो आप इसको प्रेस से सीधा कर सकते हैं, और वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं हाथ से इसकी सहायता से इसको मोड़ लेता हूँ। ठीक है, आप लोग और फिनिशिंग के साथ चाहिए तो आप लोग प्रेस से ही मोड़ कर काम करें। जो मैंने 20 सेंटर निशान लगाया था कॉलर का, इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है और इस कॉलर का 20 सेंटर जो है वो भी यहाँ पर रख लेना है। दोनों कुर्कों को मिला देना है, एक चार भर की सिलाई से हमें सिलाई कर लेनी है।
दोनों सिरों को बराबर से पकड़ करके इस तरीके से हमें सिलाई कर लेनी है बहुत सफाई के साथ। बीस सेंटर रखना है, कगर की सिलाई से अटैच करते हुए चलना है। दोस्तों आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। टॉप दोस्तों बनकर रेडी हो गया है, आपको हम इसको सीधा करके दिखा देते हैं। इस तरीके से हमारा टॉप आएगा। आप अपने साइज के अनुसार बना सकते हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा टॉप बैठ गया है, बहुत अच्छा बॉडी पर ही बैठेगा। तो बने रहे हमारे चैनल पर, लगातार इस तरीके से आपको वीडियो मिलते रहेंगे ताकि आप भी कुछ नया सीख पाएँ।